आपने छह फिल्मों का वहां नाम लिया, छह फिल्मों का मैंने यहाँ नाम। रोहित शेट्टी ने भी कॉमेडी बनाई, भी सिंगम बनाएगा। मैं भी वो लोग है जो टाइटन गज। इस समय रोहित शेट्टी अपनी फिल्म सर्कस का प्रमोशन कर रहे हैं और हाल ही में एक इंटरव्यू में जब रोहित शेट्टी से पूछा गया कि इस समय पूरी पब्लिक साउथ की फिल्मों को ज्यादा पसंद कर रही है और बॉलीवुड फिल्मों को क्यों बायकॉट कर रही है, तो इस पर रोहित शेट्टी ने पठान का एग्जाम्पल देते हुए जो जवाब दिया जिससे सुनकर इंटरव्यूअर की बोलती बंद हो गई। रोहित शेट्टी ने ऐसा क्या कह दिया जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। दरअसल इंटरव्यूअर ने पहले सर्कस के एक्टर रणबीर सिंह से पूछा कि इस समय साउथ की फिल्मों का ज्यादा क्रेज है और यदि आपको KGF, ट्रिपल आर, कंतारा, पुष्पा जैसी फिल्मों का ऑफर मिलेगा तो आप फिल्में करेंगे कि नहीं, तो रणबीर सिंह ने कहा कि मुझे ऑलरेडी शंकर की फिल्में मिल गई है और वो फिल्में अलग अलग भाषा में रिलीज होगी। और फिर दोबारा इंटरव्यूअर ने जब रोहित शेट्टी से पूछा कि जो मैजिक साउथ की फिल्मों में इस समय दिख रहा है वो मैजिक बॉलीवुड फिल्मों में गायब होता जा रहा है, ऐसा क्यों, तो इस पर रोहित शेट्टी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, दो साल पेंडेमिक की वजह से हमारी बड़ी फिल्में बन नहीं पाई और साउथ की बड़ी फिल्में पेंडेमिक के पहले ही शूट हो गई थी, इसलिए 2022 हम लोगों के लिए बुरा रहा है। और रोहित शेट्टी ने बॉलीवुड की आने वाली फिल्में जैसे पठान, सिंगम 3, फाइटर, टाइगर जिंदा है इसका जिक्र करते हुए कहा कि ये मूवी बॉलीवुड का क्रेज फिर से वापस लाएगी। तो आप खुद ही एक छोटी सी क्लिप में सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। पूरा वीडियो देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके देख सकते हैं। बिग स्केल डायरेक्टर्स हैं या जो बड़ी फिल्में बनाते हैं, दो साल हमने पेंडेमिक भी झेला है, हमें वो भी सोचना पड़ेगा। राजकुमार हिरानी सर की फिल्म नहीं आई है, बंसाली सर इज मेकिंग अ बिगर फिल्म विद रणवीर नाउ, शेट्टी ने भी कॉमेडी बनाई, भी सिंगम बनाएगा। मैं पठान आएगी, फाइटर आएगी, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा आएगी। बस क्या, इतना साल हमने एंटरटेन किया, एक साल हमारा खराब किया तो अपने साथ छोड़। ओहो, बुरा मत मानिएगा मैडम, जब जहाज में छेद होता है ना तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। हम भी वो लोग हैं जो टाइटैनिक को डूबने नहीं देंगे, हम उड़ाना जानते हैं, उड़ा के आगे ले जाएंगे। तो गज, आपको क्या लगता है बॉलीवुड की आने वाली फिल्में मैजिक दिखा पाएगी कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री की सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।